अगर आप लंबे टाइम से जिम कर रहे हैं, प्रोटीन के डब्बे खा के परेशान हो गए हैं, लेकिन तब भी आपकी मसल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी डाइट लेनी चाहिए हमें जिससे हमारी मसल ग्रोथ हो पाए, और साथ ही में कितना प्रोटीन दिन में लेना चाहिए, और साइंस क्या होती है मसल ग्रोथ के पीछे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मसल ग्रोथ के लिए, बेस्ट स्टिमुलस होता है इंटेंसिटी, यानी कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आप वेट उठा रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, आप कितना वेट उठा पा रहे हैं और किस फॉर्म में उठा पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि मैं दिन में दो बार खाना खाता हूँ, एक बार सुबह खाता हूँ, एक बार रात में खाता हूँ, बीच में कुछ नहीं खाता हूँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या करता है, ये हमारी मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर को इंक्रीज़ करके। तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों करता हूँ, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग नहीं करते हैं, यानी कि दिन में तीन या चार बार खाना खाते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो ब्लड शुगर होती है यानी कि ग्लूकोज जो होती है वो स्पाइक हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गया तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं वो सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं, और इसीलिए मसल के सेल की ग्रोथ नहीं हो पाती है, और इसीलिए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रेफर करता हूँ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोग ये कहते हैं कि कार्ब्स जो है वो नहीं खाने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि कार्ब्स खाने चाहिए पर एक लिमिटेड अमाउंट में ही, यानी कि अगर आप शुगर ले भी रहे हैं तो इतनी ही लीजिए जो रिकमेंडेड रेंज के अंदर हो। तो कार्ब्स क्यों लेने चाहिए, क्योंकि कार्ब्स जो होते हैं वो इंसुलिन को रिलीज़ करवाते हैं, है ना। लेकिन अगर ज़्यादा कार्ब्स लेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल अमाउंट में कार्ब्स लेंगे तो इंसुलिन रिलीज़ होगा और वो अपना जो ग्रोथ फैक्टर वाला काम है वो करता रहेगा, और मसल की ग्रोथ को प्रमोट करता रहेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा कार्ब लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जैसे कि कुछ लोग प्री डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक होते हैं, उनमें तो ये चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं, पहले से ही उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, तो इसलिए उनमें क्या होता है, अमीनो एसिड जो है वो सेल के अंदर नहीं जा सकता, तो इसके लिए मसल ग्रोथ जो नहीं होती है। तो उनके जो पूरी जो बॉडी का वेट होता है वो दिखते तो हैं बड़े से, लेकिन वो फैट वाला वेट होता है, उनमें लीन बॉडी मास बहुत ही कम होता है, यानी कि प्रोटीन वाले जो मसल होती है वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू फैट। अगला पॉइंट है प्रोटीन, यानी कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम बहुत सारा प्रोटीन खा लेंगे, तीन तीन स्कूप ले लेंगे दिन में, तो हमारी मसल क्यों नहीं बनेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे रेकमेंडेड अलाउंस से, तो क्या होगा कि जो आधा प्रोटीन होगा वो तो वेस्ट ही हो जाएगा नाइट्रोजन बनाने में, और दूसरा जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज का नए सब्सटेंस से बनना, विदाउट यानी कि जो सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट नहीं है उससे ग्लूकोज फॉर्म होता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, तो आपका प्रोटीन ही ग्लूकोज बनाया जाता है, और बाद में वही आपके इंसुलिन को इंक्रीज करके इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देगा, तो बाद में वही अमीनो एसिड जो है आपकी मसल्स में नहीं जा पाएगा और मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप, यानी कि स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक नॉर्मल अमाउंट स्लीप जो होती है 7 से 8 घंटे की तो लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल अमाउंट की स्लीप नहीं लेंगे, कम स्लीप लेंगे, तो कॉर्टिसोल जो होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, और कॉर्टिसोल का एक फंक्शन होता है वो प्रोटीन को ब्रेक करता है, यानी कि मसल ब्रेक डाउन होगा और मसल नहीं बनेगी, मसल गेन नहीं होगी। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक्सरसाइज इटसेल्फ, यानी कि जब आप जिम में अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपका आखिरी सेट होता है उसको एक सुपर सेट बना लीजिए, और टू द फेलियर तक, यानी कि फेलियर जब तक आपको नहीं होता है अचीव, तब तक उस सेट को करिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि जो बिगनर्स होते हैं उनको धीरे धीरे ही इसको इंक्रीज़ करना है, ये नहीं कि आप एकदम से अपना जो फाइनल सेट है वो बहुत ज़्यादा वेट का लगा लें और इंजरी कर लें। और लास्ट बात है कि एक मसल ग्रुप को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ट्रेन करिए, क्योंकि मसल को भी रेस्ट लेना होता है, और उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करते हैं और मसल ब्रेकडाउन होता है तो दोबारा मसल ग्रोथ के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम दोबारा ही 2-3 दिन के अंदर ही दोबारा उसी सेम मसल को करेंगे तो वो प्रोसेस जो है वो सही से हो नहीं पाएगा, तो मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।